मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। शुक्रवार से प्रदेश में बारिश शुरू होगी जो 14 सितंबर तक चलेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 8 दिन में दो नए सिस्टम बन रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई शहरों में बारिश हो रही है। इंदौर में बुधवार को 1.25 इंच से ज्यादा बारिश हुई थी। जबलपुर मंडला में भी पानी गिरा। आपको बता दें कि सितंबर में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी तेज धूप परेशान करती है तो बारिश गर्मी से राहत दे रही है। कुछ शहरों में काफी तेज बारिश हुई है। इससे एक बार फिर से डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। नदी नाले उफान पर भी आ गए हैं। ऐसा ही दौर 9 सितंबर से फिर से शुरू होने की संभावना है। इंदौर में बुधवार को मौसम ने रंग दिखाया था और तेज बारिश हुई। कुछ ही देर में सड़कों से पानी बह निकला। भोपाल में दिनभर मौसम सुहाना रहा। सूरज के बादलों में लुका छिपी चली। मंडला और जबलपुर में बौछारें गिरी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अब 9 और 10 सितंबर को मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों इंदौर, जबलपुर, सागर, बैतूल और नर्मदापुरम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके बाद 12 से फिर प्रदेश भर में बारिश का दौर शुरू होगा। इस दौरान 14 सितंबर तक लगातार 3 दिन प्रदेश के मध्य और ऊपरी इलाकों भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड समेत कई अन्य इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। दो सिस्टम से पूरा प्रदेश भीग जाएगा। मध्य प्रदेश में 1 जून से अब तक करीब 40 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य रूप से 33 इंच बारिश होना चाहिए।